गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा डे टू है पॉन्डिचेरी में, तो आज का प्लान ऐसा है कि हम लोग क्या के नजदीक के बीचेस जाएंगे, बट बीचेस जाने से पहले यहाँ पे संडे को मार्केट लगता है। तो अभी जस्ट हम लोग होटल के बाहर आए, यहाँ पे छोटा मोटा मार्केट लगा हुआ है, जैसे हमारे यहाँ पे संडे को मार्केट लगता है पुराने चीज़ों का वगैरह, जैसे छोटा मोटा चोर बाजार बोल सकते हैं, वैसे यहाँ पे लगा हुआ है। तो चलो देखते हैं क्या क्या है मार्केट में, क्या क्या अगर कुछ मिलता है वैल्यूबल अपन ले लेंगे। फिर देखो गाइस, एक उसूल है, अगर आपको जो चीज जहाँ पे सस्ता मिल जाए उठा लो। ये मैंने एक टिफिन बॉक्स लिया, ये छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं है, एक टिफिन आराम से रह सकते हैं, पानी का बॉटल। ये मुझे मिला 100 रुपीज में, इससे अच्छा क्या मिल सकता है और क्या एक्सपेक्ट कर रहा है 100 रुपीज में। तो गाइस मेरा ये जेबी पे जाता हूँ मैं, अगर कुछ मिल जाता सस्ते में तो उठा लेने का। हम लोगों ने होटल में नाश्ता किया, हर जगह नाश्ता किया, तो हम लोग छोटे से थोड़ी सी थैले में नाश्ता करने आए, और हम लोगों ने मंगाया है इडली और वड़ा। मैं इडली वड़ा कैसा लग रहा है? देखा, यही फर्क होता है थैले में और प्रॉपर होटल में खाने को, यही इसी के टेस्ट हम लोग ढूंढ रहे थे कल, तो आज हम लोग को मिल गया। सो गाइस, अभी हम लोग है पैराडाइज बीच पे, बीच उधर है, हम लोग पीछे के रास्ते से आए, नहीं हम लोग को शंकोजीत के मैप ने धोखा दे दिया था, तो अभी हम लोग प्रॉपर बीच पे जा रहे हैं। वो देखो उस साइड बीच है। तो गाइस अगर बीच की बात करें, बीच बहुत ही सुंदर है, और यहाँ पे अगर देखोगे ये फुल ऑफ नारियल के जो ट्रीज प्रॉपर लाइन से प्लांट किए हुए, और फोटो सीन बोलते हैं प्री वेडिंग के लिए जो है लोकेशन, परफेक्ट लोकेशन है। देखो अभी एक्चुअल चल भी रहा है शायद प्री वेडिंग बना रहे हैं ये लोग। गाइज अगर बीच की बात करें तो बीच बहुत ही क्लीन, बहुत ही साफ, और पे बहुत सारे आर्किटेक्चर क्रिएट और कुछ कर रहे हैं लोग, ताकि मे बी इन फ्यूचर लाइव कॉन्सर्ट या फिर कुछ तो ऐसा हो और ज्यादा टूरिज्म अट्रैक्ट हो यहाँ पे। तो गुड एफर्ट पुट बाय चेन्नई गवर्नमेंट। अभी आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन हुआ। अच्छा, सो गाइज अभी हम लोग ने बीच देखा, अभी हम लोग यहाँ पे एक खंडर है आरिका मड्डो बोलते इसे, इस जगह पे आए, थोड़ा सिटी से थोड़ा अंदर के साइड में है, और ये स्कल्पचर है, ये प्रूटा स्कल्पचर है। तो अभी हम लोग अंदर जाके देखेंगे क्या है ये। आर्कियोलॉजिस्ट के सर्वे के हिसाब से इज वन ऑफ दी ओल्डेस्ट आर्किटेक्चर। ये इसका एंट्रेंस है, और दिस इज द बिल्डिंग। अगर आप बिल्डिंग का स्ट्रक्चर देखोगे, इट इज वन ऑफ दी क्या बोलते हैं, काफी पुरानी बिल्डिंग है ये। सो गाइज अभी हम लोग ने ये पुराना क्या कहते हैं खंडर देख लिया है, बट यहाँ पे एक चीज के आपको केयर करनी पड़ेगी, यहाँ पे बहुत सा पुराना है ये, तो लाइक बिच्छू विच्छू मुंगी वुंगी का टेंशन रहता है, एंट्स वगैरह का। सो अगर आप यही साइड आते हो तो थोड़ा उसका ध्यान रखिएगा, ताकि इनकेस अगर कोई बिच्छू विच्छू आता है तो आपको डसे नहीं। और ये ऐसा कुछ इसका एंट्रेंस है। हमारे पीछे ये फ्रेंच कॉलोनी है, जो कि फेमस पब्लिक आती है फ्रेंच कॉलोनी। कॉलोनी की बात करें तो चार लेन में लोग की पुरानी बिल्डिंगें बनी है, जो कि आर्टिस्टिकली अच्छी डिजाइंड है, उसको फ्रेंच कॉलोनी बोलते हैं। और इसी फ्रेंच कॉलोनी के ऊपर ये होटल सिचुएटेड है, जहाँ पे हम लोग ने खाना खाया, और होटल काफी अच्छा है। अगर कॉस्टिंग की बात करें थोड़ा महंगा है, बट ठीक है, अफोर्डेबल एक्सॉटिक है। अगर आप ऐसे लोकेशन पे आके खाना खाते हो, वो भी रूफटॉप पे बैठ के, तो इतना तो आपको खर्चा करना ही हो। और पिकनिक पे कोई आता है बंदर, इतना नहीं सोचता 400-500 रुपये ज्यादा गया, तो भी ठीक है। और ये बैठने के लिए भी मस्त जगह है यहाँ पे, रात के टाइम लाइव म्यूजिक होता है यहाँ पे,
सो अगर आप ये साइड आते हो तो भी इस होटल में आ सकते हो। गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं जर्मन बेकरी। आप अगर आप पॉन्डिचेरी फेमस इज फॉर बेकरी, जब बेकरी बेकर स्ट्रीट है पूरा बेकरी के छोटे छोटे शॉप है, तो भी यहाँ पे है बेकरी, तो उसके अंदर हम लोग जाएंगे। तो लेट्स गो इनसाइड। ऑर्डर किया है हमने, बनाया है ना, ये बना हुआ है, खा के इसका टेस्ट बताइए आपको। गाइस अगर आप पॉन्डिचेरी आते हो, यहाँ पे बीच के साइड में एग्जीबिशन सेंटर, तो मैं आपको अभी अंदर जाके देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट में। एग्जीबिशन सेंटर, चलो देखते हैं इन साइड।